ज्यादातर सामान वुड का ही है जितना भी है। तो महिला नहीं बोलूंगा इसको, लकड़ी मार्केट बोलूंगा। बहुत बड़ी एक वुड के सामान की एंटी मार्केट है। Hey guys, welcome back to another vlog. अभी बज रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या है ना, अभी आगरा के मतलब मुझे लगा कि मैंने ना कोई व्यू दिखाया, ना कोई ट्रैवलिंग का कुछ भी दिखाया, सीधा आगरा पहुँच गया। तो ये क्या है ना, मतलब मेरा फोन खराब था इसलिए नहीं दिखा रहा था। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फोन खराब था इसलिए नहीं दिखा पाया था। और इस चक्कर में क्या है ना, मेरा पूरी ट्रिप ऐसे ही आ गया। और वो पापा भी यहाँ से छोड़ के काम से आए थे, मतलब वो भी आगे से जाना था, आ गया हूँ स्टेशन तक। आप जाना तो पापा भी कहीं और जाना था, बाकी सब कुछ समझाता रहूँगा क्या क्या हुआ था, सीन क्या बात का था। पहले यहाँ से निकलता हूँ, बाकी सब मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा बन क्या है। चलो चलते हैं। आधा नाश्ता पानी भी नहीं करा मैंने, सब यहीं आगे करा था। तो अभी इसे रखते हैं जल्दी से, पहले को इसमें रख देता हूँ क्योंकि ये क्या ना वहाँ देना है। तो अभी मैं इसके अंदर पहले इसे चेन को खोलता हूँ सारा कुछ, फिर निकलते हैं जल्दी से क्योंकि क्या है ना मुझे जाना भी है ना, खाम खा लेट होंगे। ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं गुस्से में ट्रैवल करता हूँ, पर दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी पता नहीं। पर अभी मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, पता नहीं क्यों, पता ही नहीं लग रहा। तो अभी चलते हैं जल्दी से, खराब होना तो बेकार चीज़ होती है। और सुबह के घंटे वैसे ही बोल रहा है, पूरी कहानी बताऊँगा आपको। तो यार मन आज कर रहा है पता नहीं क्यों, तो अपनी 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 बुराइयाँ सबको पता नहीं। चलता हूँ पहले बाहर निकलते हैं से, जगह वैसी बोलता हूँ। अभी मैं ऑटो कर रहा था, ऑटो तो बहुत महंगा पड़ रहा है। बस जा रही है यहाँ से सीधा, जैसे कि दिल्ली में चलती है ना वैसे ही वाली, बस काफ़ी सस्ते में लेकर चले जाएगी जहाँ पर जाना है। तो अभी चलते हैं, देखो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश में मज़ा मेरे मुँह हाथ कुछ नहीं धोया है। और मुँह भी पता नहीं कैसे लग रहा है, पूरी रात जगह होता वैसे ही। तो मैंने बस कर ली है, बस कर ली मतलब बस में बैठ गया हूँ, और अभी निकलते हैं जल्दी से। और पापा के बोले थे ऑटो वगैरह ही, मगर मैंने बस कर ली सस्ते में जो आपने, यही होता अकेले आने का फायदा। अभी पहुँचता हूँ जल्दी से, फिर दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ, फिर ब्लॉग वहीं जाके करूँगा। और यहाँ पे बहुत भारी हो रही है, पूरी रात नहीं सोया और ट्रेन में भी नहीं सोया था मैं ना। तो वहाँ तो आ गया हूँ, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस के बाद ही वो जगह आएगी जिस जगह मैं जा रहा हूँ घर पे। और जहाँ एकदम टाइम से पहले कहीं आया था ना, तो देखो कैसी जगह होती दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम से पहले आया था ना, तो ये जगह इतनी भरी रहती है अगर इस एक इसके टाइम से ही टाइम पर आए। और अभी यहाँ पे देख लो कुत्ते भी नहीं दिखेंगे ढंग से, बट अभी के टाइम पूरी खाली है, उससे पहले पूरी जगह भरी रहती है, सारी दुकानें खुली रहती हैं। बट मैं टाइम से बहुत ज़्यादा पहले आ गया हूँ ना, मतलब अभी तो खुली नहीं होगी दुकान, वही 9 बजने वाले हैं। चलो चलते हैं। यार गुस्सा मुझे यार पता नहीं क्यों आया था अभी के फालतू, मुझे आते ही गुस्सा है इस चक्कर के अंदर। तो मेरे कितने ब्लॉग रह गए हैं, रीज़न यही था मेरा गुस्सा, इसी वजह से मेरे ब्लॉग रहे हैं जो भी रहे हैं अभी तक। अब नहीं रहेंगे, अब गुस्सा कंट्रोल करूँगा बहुत ज़्यादा। तो सॉरी जिससे भी आज तक गुस्सा हुआ हूँ, अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता हूँ, बट पता नहीं क्या होता, मतलब ऐसा गुस्सा नहीं आता कि तोड़ा फोड़ी गुस्से वाला, मतलब नाराज़ी वाला भी करने का मन नहीं करता मेरा। आगरा की पहचान बंदर। तो आ चुका हूँ जल्दी से, अभी घर पर चढ़ता हूँ, थक गया मैं भी कम से कम 20 मिनट से चल रहा हूँ। तो गाय जल्दी मैं घर पे आ गया हूँ, लेट गया हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा आके। टाइम देखो 10 बजने वाले, मतलब थोड़ी देर से लेट आ गया था, फिर ब्लॉग होने से अभी आराम से करूँगा। इसकी शक्ल देख के तो कुछ याद आया होगा, कौन है पता लग गया होगा ऐसे भी। जो लोग पुराने हैं ना वो जानते होंगे, है ना। बाकी मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम है अजय, है ना। बाकी तो ब्लॉगों में दे रही होगा ऐसे कहीं, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर करूँगा ब्लॉग। क्यों आऊँ काय को आऊँ सब कुछ बताऊँगा, बट पहले थोड़ा रेस्ट। हे गाइस, अभी क्या है ना मैं सो गया था, और सोने के बाद बिल्कुल अभी उठा हूँ, ऐसी आँखें भारी हो रही है। बस क्या बताऊँ, वो जो रात का थका हुआ था ना, रात में भी नहीं सोया था, रात पे अभी भी नहीं सोया था, आते ही सो गया था। और यहाँ पे जो एक काम था ना, तो वो काम भी हो गया है, मतलब थोड़ा क्या है ना मेरे खाले के लड़के की कुछ दिक्कत थी तो वो हो गई है, और अभी क्या इसी वजह से आया था। और बहुत मेरी पता नहीं आँखें भारी हो रही हैं, अभी उठा हूँ सो के, कम से कम 2-2.5 घंटा सोया मैं। तो अभी बज रहे हैं 5, हाँ 5 बज रहे हैं। देखो अभी मैं उठ गया हूँ, और उठने के बाद अभी ब्लॉग कर रहा हूँ यार, अच्छा खासी नींद आ गई यार, मतलब एकदम से बहुत थकन थी ना, जो पूरी थकन एक साथ निकल गई। और अभी बस उठा हूँ, अब ब्लॉग करूँगा। और अभी तो फिर कभी मतलब मेरा जो सुबह का सीन ये था कि मेरी थोड़ा कहना गाइस क्या हुआ था, मैं सुबह आ तो रहा था आराम से, बट फिर वही धीरे धीरे मतलब ये होता है ना कि एकदम से कभी कहीं जाते हो सुबह, तो मूड ख़राब सा हो जाता है,
तब फिर मैं इस चक्कर में मूड ख़राब के चक्कर में मेरा फिर मैंने ब्लॉग नहीं करा गुस्से में। और गुस्सा मेरे को भाई बहुत बुरा लगता है इतने इधर फालतू कोई काम धंधे का नहीं होता, इस चक्कर में मेरे कितने ब्लॉग रह जाते हैं। बट मैंने फिर सोचा मैंने करूँगा, फिर मैंने स्टेशन पर करा और मेरी गलती थी, हर जगह गुस्सा इतना करा नहीं जाता बगैर फालतू में, मैं जो कि कुछ ज़्यादा ही करने लगा हूँ बहुत बेकार लगता है। उठा जिधर उतरा उतरने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी मैं आपके सामने हूँ। तो वही है कि मतलब गुस्सा होता है तो मतलब धीरे धीरे ख़त्म कर लेना चाहिए, एक दिन से ज़्यादा मतलब बढ़ाओ मत, क्योंकि मैंने यार मेरे गुस्से के चक्कर में ब्लॉग मेरे जितने भी ब्लॉग हैं सब गुस्से की वजह से रह गए हैं, इसी वजह से मेरा रह जाते हैं। तो अब मैंने सब कुछ छोड़ रखा है तो अब मैं इतना नहीं करता ताकि मेरे ब्लॉग फिर से ना रहे, ये चीज़ होती है। और बाकी आगे भी कंट्रोल करूँगा, जो भी होता है गुस्सा सब कुछ वो सब कंट्रोल करूँगा, मेरे को लगता है ना सब कुछ अपने हिसाब से देखते हैं, अभी सही से रहूँगा और बाकी ब्लॉक करूँगा और सही से रहूँगा, बाकी गुस्सा वस्सा करना नहीं है ज़्यादा बिल्कुल भी। तो अभी देखो ऊपर छत पे बैठा था और ये पूरा मौसम हो रहा है मतलब बारिश का नहीं हो रहा है, शाम का मौसम है बट निकल रही, बारिश भी लगी रही हो जाएगी कभी भी। तो बैठा हूँ साथ में बराबर में अली बैठा हुआ अभी, और ऐसे बैठ के यार अभी भी वासी सी आ रही थी क्योंकि अभी भी सो के ही उठाऊ ना। मैंने अभी मंगाया था नीचे से बर्फ़ का तरबूज बोलते हैं, पता नहीं मक्खन का बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये यहाँ मिलता है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे बहुत पहले खाया था मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने दोबारा मंगा लिया किसी के हाथ। सब बुला रहे नीचे रोज़ा खोलने के लिए, मैंने यहाँ चाय पी रहा था क्योंकि यहाँ पे कितनों का रोज़ा मेरा नहीं है, बता रहा हूँ ना वही गुस्सा बेकार बेकार फालतू का गुस्सा, इतने गुस्से बेकार की बात होती है भाई, इतना गुस्सा कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। और मेरा पता नहीं क्या हिसाब किताब हो गया है, ये गुस्से ने मेरे सर का दर्द बन चुका है। अभी खाला के यहाँ रुका हुआ हूँ, अभी बैठा हूँ, वो भी तो इसका वो जो होना था ना वो हो चुका है। देखो अब जो खाना का लगा था ना वो भी लेटा पड़ा है, इसका हमने सेट कर दिया मतलब है ना, अब ठीक है ठीक है, ये बोलने के मूड में नहीं है अभी। खाए देखो बोली नानी खा लो, अभी सब बैठे हुए अभी आ रहे हैं, वो भी कुछ बोलने के मूड में नहीं है गाइस, उसकी उंगली बंद। गाइस अभी मैं आ गया हूँ मेले में, बहुत परेशानियों के साथ आया हूँ, मतलब अभी मेरे पीछे चार्जर नहीं था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं कर पाया, चोरी हुआ था स्कूटी, वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, जैसे पता नहीं इसका कोई खो गया था भाई, कुछ खो गया है क्या, ऐसे परेशान लग रहा है ना मुझे देखने में, इसलिए लग रहा है मुझे कोई। पीछे एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, ये रहा ये अभी अंदर है, सामने ताजमहल है, मुझे नहीं लगता यहाँ जगह मिलेगी, ये मेरे लोग ही गायब हो गए भैया, कहाँ गए तुम, कैसे खो रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं, यही देखने के लिए आया था कि मैं अंदर जाना है, मैं और अंदर कुछ नहीं हुआ ना बेटा तो तुझे फिर मैं बताऊंगा, बहुत देर से चिल्ला रहे थे महोत्सव महोत्सव, देख लो गाइस चेक करो पूरी भीड़ कितनी बड़ी लाइनें लगी हुई है, मेरा टिकट ये रहा इसका ये रहा बाकी दोनों का ये रहा, चलो चलते हैं। ये देखो ये रही पूरी पूरी मेला, ये रहा मेला पूरा, चले तो ये सब काले इन वगैरह मिल रही हैं और इतना बड़ा है कि क्या बताऊँ, फिर अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखो ये सब क्या क्या डेकोरेटिव सामान है सारा, इधर भी सारा कुछ डेकोरेटिव है, देखो क्या बढ़िया डेकोरेशन हुई है यहाँ पे, कुछ डेकोरेटिव सामान है गाइस यहाँ पे, जितना मिला सब डेकोरेटिव, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी गाइस यहाँ पे, पता नहीं कैसी जगह मिलेगी। देखो ये एक ही सॉन्ग है जिसके अलावा कोई दूसरा बस्ता नहीं है, वीराना का देख रहे हो गाइस, अभी आगे सब चले जा रहे हैं और ये देखो पल्ले नहीं पड़ रहा कहाँ से कहाँ जाना है, देखो एक ऐसी जगह है जिस जगह सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अभी यहाँ से निकल के दूसरा गेट आ रहा है तो वहाँ भी चल के देखते हैं क्या होता है, वरना वैसे देखते हैं अभी अंदर क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, इतनी भीड़ लग रही है, सब वही है कि मतलब ज़्यादातर वैसे सामान मिल रहे हैं, कुछ यूनिक तो मुझे दिख नहीं रहा, वही बाज़ार लगता है ना एक तरीके से, वो बहुत बड़े लेवल पे लगाया गया है वो चीज़ है बस, बाकी देखते हैं कुछ मिल जाएगा सही सा तो ले लेंगे, वरना तो घूम ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से अभी आगे देखते हैं क्या फिरता है। देखो अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है और इस जगह फोटो के लिए एरिया बनाया गया है, इस जगह जो फोटो शूट हो रहा है ना बहुत बढ़िया वाला हो रहा है, इस जगह जो लोकेशन दी है ना हमने सबसे बेस्ट लोकेशन है और बहुत बढ़िया क्वालिटी में आ रहे हैं फोटो, बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल वाला फोटो कैसे आ रहे हैं, मैं एक दो और करवा लेता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या। ये देख लो गाइस पूरा नीचे का बैकग्राउंड और मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, सर बार बार दिक्कत हो रही है, अरे बार बार फिर मेरा मैं टॉपिक से इधर से उधर हो जाता हूँ। और ये देखो पूरा पीछे मंडप सा बना रखा है, उस साइड में चल रहा है प्रोग्राम वहाँ से, पहनी थी ना पैंट वही वाली पैंट,
जितना जितना रिकॉर्ड होगा मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि 4% चार्जिंग बची है। फोटो वोटो शूट करने के चक्कर में ना, सब करने के चक्कर में पूरा देख लो कितना टाइम भी चला गया। एक तो 10 बजने वाले हैं, जल्दी घर पहुंचना है हमें, निकलना भी है। और बताइए तो मैं कि छपराबंदी कितनी होती है इस मेलों में। चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं, जितने भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब डेकोरेशन का मिल रहा है, सारा कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। सेल भी मतलब बिल्कुल सही, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और मैं आगे देख रहा हूँ कुछ मुझे सही से मिल रहा है। एक मेरे को स्वेट दिखी थी, बट जैसे मेरी चीज थी वैसे नहीं थी वो, वैसे तो मिल जाएगा। थोड़ा लग रही है कि कुछ देखने लायक है, ये जो वुडन के जो बने हुए ना ये बहुत बड़े लग रहे हैं मुझे। देख रहे हो सारा का सारा वुड का काम हुआ है इसमें। इसमें से भी कुछ मेरे को देखना था, पसंद आ रहा था, बट फिर क्या है ना, जो चीज़ में चाहिए थी वो है ही नहीं ना। तो सामान वुड का ही है, जितना भी है सारा कुछ वुड का मिल रहा है। इधर ये देखता फिर रहा हूँ मैं कि क्या क्या लूँ क्या ना लूँ, बट अभी कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि कुछ लेना हो। और अगर हम बाद में कभी फ्यूचर में घर चेंज करते हैं तो फिर मेरे को डेकोरेशन करवाने वो सब इस तरीके के लूँगा जिसे मैंने यहाँ देखे हैं। तो कुछ नहीं यार, देखो कैसे 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 तरीके के फ्लावर्स हैं। देख रहा हूँ मेरे लायक कुछ दिखा, मेरे लायक बाइक ले लो तुम्हारे लायक। लग तो सही रही है वैसे, अपने सेटअप पे गेमिंग सेटअप पर सही में सही बोल रहा हूँ। मैं कुछ सजाने के लिए रूम पर हूँ, पैसा नहीं मिला, लग रही है वो भी अच्छी लग रही है। चलो निकल के देखते हैं, फोन पकड़ा रखा हूँ। ये देखो मेरे के जो फ्रेम है ना वो आए हैं मेरे के फ्रेम, तो मेला नहीं बोलूँगा इसको, लकड़ी मार्केट बोलूँगा पूरे तरीके से। सारा वुड का जितना भी देखता हूँ, वुड वुड है, इसके अलावा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। वुड के बैंगल फर्नीचर है गाइस, देख रहे हो कितने अलग ही यूनिक यूनिक। ये झूला, ये जिस दिन छत होगी ना उस दिन ये वाले परमानेंट यही सेम लेकर आऊंगा। इधर हो भाई, देख रहे हो सारा का सारा वुड का सामान। यहाँ पर मेरे ये फिर मेरा नहीं, ये लकड़ियों का सामान की बड़ी एंटिक शॉप मार्केट है, बड़ी एंटिक मार्केट जो कि सारे मार्केट में सारे जो एंटिक सामान है मिलते हैं वुड के। इसके अलावा कुछ आ गए देखो गाइस, अब बाहर आ गए वहाँ देखो डांस है। हाँ शायद बहुत बड़ी एक बोर्ड के सामान की एंटी मार्केट है। कहाँ गया वो, ये कोई मेला वेला नहीं है यहाँ, सारे लकड़ी के अलग अलग एंटी। काम का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं वैसे, तीन चीज़ें हुआ है जब मैंने अगर डेकोर कर रहा हूँ ना, उसके बाद काम की चीज़ें। उससे पहले बढ़िया मेला है, इतना क्लीन दिख रहा है।